हेलो एवरीवन, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, नीति शास्त्र। आज हम बात करेंगे सद्गुण। उचित, कर्तव्य, शुभ आदि नैतिक शब्दों की भांति सद्गुण शब्द का भी मानवीय आचरण और चरित्र के मूल्यांकन की दृष्टि से बहुत महत्व है। सद्गुण का अंग्रेजी पर्याय होता है वर्च्यू, जो कि यूनानी शब्द एरेटे का समानार्थक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता अथवा उत्कृष्टता। नैतिक संदर्भ में सद्गुण मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है, जिसका विकास करने के लिए उसे निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है और जो सदैव उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। सद्गुण से प्रेरित कार्य कभी कभी नहीं अपितु बार बार किया जाता है। दूसरे शब्दों में सद्गुण सतत प्रयास तथा अभ्यास द्वारा विकसित वह उत्कृष्ट मनोवृत्ति है, जो व्यक्ति के स्वभाव अथवा चरित्र का अभिन्न अंग बन चुकी है और उसे सदैव अपने नैतिक कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति खतरनाक और भयंकर परिस्थितियों में दृढ़ता एवं धैर्य बनाए रखता है और बार बार ऐसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे कि उसमें साहस नामक सद्गुण है। साहस उसके स्वभाव का स्थायी अंग बन गया है। इसी प्रकार, यदि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं तथा वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखने का बार बार प्रयत्न करता है, तो कुछ समय के पश्चात संयम नामक सद्गुण उसके स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सद्गुण मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों, जैसे भूख, प्यास, काम, वासना, भय, क्रोध, प्रेम आदि से बहुत भिन्न है, क्योंकि इनका विकास करने के लिए उसे निरंतर प्रयत्न और अभ्यास करना पड़ता है। इसका अभिप्राय यह है कि नैसर्गिक प्रवृत्तियों के विपरीत सद्गुणों का विकास करने अथवा न करने के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी है। इसी कारण नैतिक आचरण की दृष्टि से सद्गुणों का विशेष महत्व है। सदैव नैतिक कर्तव्य करने की अभ्यस्तता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ अथवा उत्कृष्ट होना चाहिए। सद्गुण ऐसे ही चरित्र के गुण हैं। धन्यवाद।